तो हेलो दोस्तों, इस साल की होली नजदीक आ गई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल भी एक ऐसा होली गैजेट बनाया जाए जो भाई टू इन वन हो। पहला तो हम अपने गैजेट के अंदर भाई रंग वाला पानी डालकर पिचकारी की तरह यूज कर सकते हैं, पानी हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा जो पिचकारी की तरह काम करेगा। और दूसरा नंबर हम अपने पिचकारी के अंदर भाई गुलाल भर देंगे और जैसे ही हम अपने पिचकारी को चालू करेंगे तो मस्त भाई गुलाल कंटिन्यू बाहर निकलता रहेगा, जिससे भाई होली का अलग ही मजा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इस कमाल के गैजेट को बनाना चालू करते हैं। इस कमाल के टू इन वन पिचकारी को बनाने के लिए मैं इस पाइप का यूज करूंगा। 1 इंच वाला पाइप है और ये 2 फुट पाइप है और ये मेरे को 40 रुपए में मिला है। भाई 20 रुपए फुट ये पाइप मिलता है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी दोस्तों मुझे इस पाइप को थोड़ा गन का शेप देना है, तो यहाँ से हम इसे हीट करके थोड़ा मोड़ देंगे ताकि ये गन की तरह दिखने लगे। इस पाइप को हीट करने के लिए मैं इस हीट गन का यूज करूंगा और इससे मस्त गर्म हो जाएगा। अभी दोस्तों मेरे से एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है, जब मैं इसे गर्म करके ऐसे मोड़ रहा था तो ये टूट गया, आप लोग देख सकते हो। तो खैर भाई, जैसा डिजाइन मैंने सोचा था वैसा डिजाइन तो नहीं बन सकता है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ से काट दूंगा और इसको यहाँ से काट दूंगा और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका दूंगा तो ये पकड़ने वाला हैंडल बन जाएगा। तो चलिए फिर अब इसका हैंडल बना लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये दोनों आपस में एकदम अच्छे से फिटिंग हो रहा है, तो हम इसे बाद में सुपर ग्लू से चिपका देंगे। फिलहाल यहाँ पर सफाई करते हैं थोड़ा सा। अब मैं कोई सा भी खाली बोतल ले लूंगा और हाँ भाई, इसी बोतल के अंदर गुलाल होगा या फिर पानी वाला रंग होगा, सब कुछ इसी के अंदर भरेंगे। तो फिलहाल तो मुझे सिर्फ इस ढक्कन का काम है, अभी बोतल हम साइड में रखते हैं। और अब हमें इस बड़े वाले पाइप में इस ढक्कन के साइज का छेद करना पड़ेगा ताकि इस ढक्कन को हम वहाँ पर चिपका सके। तो चलिए फिर यहाँ पर छेद कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने छेद कर दिया है और ये बोतल का ढक्कन यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छे से फिट हो जा रहा है, देख सकते हो एकदम बराबर फिट हो रहा है भाई, कहीं से भी छेद नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब इन सबको चिपकाते हैं सुपर ग्लू से। और अभी हम फिलहाल इसे सुपर ग्लू से चिपका रहे हैं, बाद में हम इसे एमसील से भी चिपकाएंगे। अबे दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसे मैंने सुपर ग्लू से एकदम अच्छे से चिपका दिया है और जब मैं इस पीवीसी को काट रहा था तो उसके अंदर से जो बुरादा निकल रहा था वो मैंने इसके ऊपर डाल के सुपर ग्लू से चिपकाया है। ये एकदम एयर टाइट हो गया है, लेकिन फिर भी भाई हम पूरी सेफ्टी के लिए हम एमसील का भी यूज करेंगे ताकि ये एकदम और ज्यादा मजबूत हो जाए। चलिए फिर इस एमसील को मिलाते हैं और लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसे मैंने एमसील से एकदम अच्छे से चिपका दिया है, जहां जहां भी भाई ज्वाइंट था वहां वहां मैंने एमसील एकदम अच्छे से लगा दिया है। अब ये भाई एकदम एयर टाइट हो गया है, अब इसके अंदर से हवा थोड़ा भी लीक नहीं करेगा। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं ताकि एकदम अच्छे से सूख जाए। और अब हम इस बोतल को ले लेते हैं और इस बोतल में हमें एक छोटा सा छेद करना होगा और ये जो साइकिल का वाल है इसे लगाना होगा ताकि भाई हम बाहर से हवा तो इसके अंदर भर सके लेकिन अंदर से हवा बाहर ना निकले। और बोतल आप लोग बड़ा वाला भी ले सकते हो और छोटा वाला भी बोतल ले सकते हो, दोनों में से कोई सा बोतल ले सकते हो, लेकिन बड़े वाले में भाई आप ज्यादा पानी भर सकते हो इसीलिए मैं बड़ा वाला बोतल ले रहा हूं। तो चलिए यहां पर एक छेद कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस साइकिल के बाल को मैंने यहां पर छेद करके घुसा दिया है और अब हम इसको एमसील की मदद से एकदम अच्छे से चिपका देंगे। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये पिचकारी पूरे तरीके से सूख चुका है और ये अब काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, ये कितना भी दम लगाओ भाई निकलेगा नहीं। और हाँ भाई, ये एकदम एयर टाइट भी हो गया है, कहीं से भी हवा थोड़ा सा भी लीक नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम इसके अंदर प्रेशर डालेंगे तो अगर थोड़ा सा भी हवा लीक करता रहेगा तो भाई पिचकारी काम नहीं करेगा। अभी दोस्तों ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना पेंट कर दिया जाए। तो चलिए फटाफट इसको पेंट करते हैं। तो
अभी दोस्तों जब तक हमारा पिचकारी का पेंट सूख रहा है तब तक हम एक और छोटा सा पीवीसी का पाइप का टुकड़ा ले लेंगे। ये भी भाई 1 इंच वाला पाइप है और करीब 10-11 सेंटीमीटर ये लंबा है और इसको मैंने पहले से ही पेंट कर दिया था ताकि हमारा काम ना रुके। और इसके बाद हम एक खाली छोटा वाला बोतल ले लेंगे और इस बोतल को हॉट एयर गन से गर्म करके इस पाइप के ऊपर हमें फिट करना है ताकि हमारे पास दो दो अटैचमेंट हो जाए, पहला भाई गुलाल के लिए और दूसरा पानी के लिए। तो सबसे पहले हम इस बोतल को यहाँ से काट लेंगे क्योंकि हमें इस आगे वाले हिस्से का काम है, पीछे वाले हिस्से का काम नहीं है। तो अब हम इस बोतल के आगे वाले हिस्से को इस पाइप के अंदर अच्छे से घुसा लेंगे और इसके बाद हम इसे हॉट एयर गन से भाई गर्म कर देंगे। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस पिचकारी का रंग पूरे तरीके से सूख चुका है और अब भाई देखने में पहले से तो अच्छा लगने लगा है। और अब मैं यहाँ पर जो ढक्कन लगाया हूँ उस ढक्कन के अंदर छेद करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो इस ढक्कन में मैंने काफी बड़ा सा एक छेद कर दिया है ताकि गुलाल या फिर पानी वाला रंग आराम से बाहर निकल जाए। तो अब मैं इस पिचकारी को ऑन ऑफ करने के लिए इस बल्ब को लगा लूंगा, तो इसको हम आगे यहाँ पर लगाएंगे और अब इसके आगे मैं इसको लगा दूंगा और इसके आगे मैं इस ढक्कन को लगा दूंगा। और आप लोग देख सकते हो इस ढक्कन में मैंने एक पतला सा छेद कर दिया है ताकि जब मैं इसमें रंग वाला पानी डालूं तो एकदम भाई प्रेशर के साथ पानी बाहर निकले और जब मुझे गुलाल के साथ होली खेलना होगा तो मैं इस ढक्कन को खोल के हटा दूंगा। फिलहाल इसको लगा देते हैं। तो अभी चलिए दोस्तों इस बोतल को भी हम लोग अपनी इस पिचकारी के ऊपर लगा देते हैं और अपनी इस पिचकारी को कंप्लीट करते हैं। और आप लोग देख सकते हो इसका एमसीएल भी एकदम अच्छे से सूख चुका है, भाई पूरे रात मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये पिचकारी पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, काफी लंबा और बड़ा सा ये पिचकारी बना है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं और फटाफट इस पिचकारी का टेस्टिंग करते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं बाहर आ चुका हूँ और इस बोतल के अंदर मैंने गुलाल भर दिया है और अभी हमें सिर्फ इस बोतल के अंदर हवा भरना है। तो चलिए फटाफट हवा भर लेते हैं। तो इस बोतल के अंदर हवा भरने के लिए मैं इस साइकिल वाले पंप का यूज करूंगा। तो अभी भाई मैंने इस बोतल के अंदर हवा भर दिया है और अभी हमें सिर्फ इसको खोलना है और देखते हैं कलर क्लाउड कैसा बनता है। तो यार देखा आप लोगों ने कितना मस्त तरीके का कलर क्लाउड बना है। तो चलिए अब इसके अंदर पानी डालते हैं और देखते हैं पानी का प्रेशर कितना ज्यादा बाहर निकलता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो इस बोतल के अंदर मैंने पानी भर दिया है और हवा भी भर दिया है और हाँ भाई आप लोग देख सकते हो मैंने ढक्कन आगे लगा दिया है ताकि पानी एकदम प्रेशर के साथ बाहर निकले। चलिए इसे खोलते हैं। तो भाई देख सकते हो कितना अच्छे से पानी बाहर निकल रहा है, लगभग 3-4 मीटर दूर पानी जाके गिर रहा है और अभी भी भाई इसके अंदर प्रेशर है, पूरा बोतल टाइट है। तो भाई ये हमारा पिचकारी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोगों को ये पिचकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और हाँ भाई आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।